बबलू भैया बैठे हुए हैं चेतक के ऊपर और इस मंदिर से जा रहे हैं, तो ये रास्ता आप देख ही रहे हैं। प्राचीन सावन सेठ का मंदिर भालसोड़ा गांव से थोड़ा सा लेफ्ट साइड चलेंगे हम, उसके बाद में आ जाएगा भालसोड़ा गांव। और अभी मैं खड़ा हूँ सावरा जी के प्राचीन मंदिर के जस्ट सामने। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी सर, राम राम। मैं हूँ आपका अपना दोस्त लोकेंद्र सिंह राठौर, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों तीसरा वीडियो मैंने यहीं से स्टार्ट कर दिया जहाँ से मैंने दूसरा वीडियो एंड किया था। वो इसलिए कराया क्योंकि दोस्तों मैंने आपसे कहा था फर्स्ट वीडियो में कि सावरा जी की तीसरी जो मूर्ति है, तीसरा जो मंदिर है वो आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अब आप लोग सोचोगे कि मैंने सावरा जी के तीन मंदिर अलग अलग क्यों बताया। अलग अलग इसलिए बताया दोस्तों क्योंकि मैं आपको सारी जानकारी देना चाहता था। अगर सारी जानकारी एक वीडियो में देता तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, तो आप लोग देखते नहीं, इसलिए मैंने तीन वीडियो बनाए। और तीसरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि मैं यहीं से आपको पूरा रास्ता बताऊंगा उस मंदिर तक जाने का, तीसरे मंदिर तक जाने का आपको पूरा रास्ता बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं हमारे चेतक के पास। हाँ, आपको बताना भूल गया, हम लोग आए अपने बाइक के साथ में जिसका नाम मैंने आपको बताया था हल्दीघाटी सीरीज के अंदर, उसका नाम मैंने रखा चेतक। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे चेतक। दोस्तों हमने हमारे चेतक को यहाँ पार्क कर दिया था छाया में, आप देख सकते हैं बबलू भैया बैठे हुए हैं चेतक के ऊपर। चलो ले आओ। तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं सावरा जी के तीसरे मंदिर पर जो कि भातसोड़ा गांव में है, और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलोमीटर बताते हैं लेकिन है सिर्फ 1 किलोमीटर। और ये देख सकते हैं यहाँ पर रुकने के लिए लॉज है, गेस्ट हाउस है, यहाँ आप अपने बजट के हिसाब से रूम ले सकते हैं। यहाँ आप ऑटो के साथ फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं राजस्थानी ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन के। ये देखिए, तो मैं आपको दोनों तरफ से रास्ता समझाऊंगा, मंडफिया की तरफ से आएंगे तब भी और इस मंदिर से जा रहे हैं तो ये रास्ता आप देख ही रहे हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं बागुंड चौराहे पर, ठीक है। यहाँ से यहाँ से इस तरफ जाएंगे तो सावराजी मंडफिया सावराजी के लिए चल जाएंगे अपन, और इस तरफ जब सावराजी की तरफ से आप आएंगे और चित्तौड़ी तरफ जाएंगे हम, तो ये अंडरपास को क्रॉस करना है हमको। ये यहाँ पर आपको एक ये बोर्ड दिखाई देगा, प्राचीन सावने सेठ का मंदिर भालसोड़ा गांव सिर्फ 1 किलोमीटर। तो हम इस अंडरब्रिज को क्रॉस करेंगे, इस ओवरब्रिज को नीचे से क्रॉस करने के बाद में हम लेफ्ट साइड लेंगे, रॉन्ग साइड में थोड़ा सा लेफ्ट साइड चलेंगे हम, उसके बाद में आ जाएगा ये भालसोड़ा गांव। दोस्तों हम लोग भालसोड़ा गांव की तरफ आ चुके हैं और ये जो मंदिर है सावरा जी से उदयपुर की तरफ जाएंगे, उदयपुर की तरफ जाएंगे आप तब ये मंदिर आएगा। और हम बाइक को बाहर ही पार्क करते हैं, गांव के अंदर नहीं लेके जाएंगे क्योंकि अंदर बहुत तंग रास्ता है। हम लोग भालसोड़ा गांव में आ चुके हैं, आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये भालसोड़ा गांव का बस स्टैंड है। और आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि यहाँ जब भी आप आएँ तो अपने व्हीकल जो है यहीं पर खड़े कर देना क्योंकि गाँव के अंदर ये जो मंदिर के अंदर जो रास्ता जा रहा है वो ये जा रहा है इधर से यहाँ से, और अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो आपके जो भी व्हीकल आप यहीं पर पार्क कर देना, और सिर्फ यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर मतलब मात्र 500 मीटर की दूरी पर है मंदिर, तो आप पैदल भी जा सकते हैं। तो चलो मैं बैक कैमरा से आपको बताता हूँ। और ये देख लीजिए एक बार, ये रहा अंदर जाने का रास्ता, ये रास्ता। तो अब यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे, देख लीजिए अब गलियाँ कितनी तंग है। तो अब इस तरफ देखिए ये हॉस्पिटल है भालसोड़ा गाँव का, चलिए चले। तो दोस्तों वहाँ हमने बाइक पार्क कर दी और हम लोग इधर से आए थे, आप इधर से भी आ सकते हैं। और ये गांव के अंदर रास्ता, ये देख लीजिए, ये मेन मार्केट के अंदर मंदिर है सावरा जी का तीसरा मंदिर, जो ये प्राचीन मंदिर है। और ये अब आपको मैं टाइमलेस में दिखाऊंगा पूरा रास्ता, आप देख लीजिएगा। ये देखिए, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि अपने विकल्प बाहर ही खड़े कर देना। अभी देखिए ये छोटी सी अल्टो कार अंदर आई है और गली में देख लीजिए कितना कंजेस्टेड है, प्रॉपर रास्ता नहीं है जाने के लिए। दोस्तों हम लोग घूम रहे हैं भालसोड़ा गांव के मार्केट में, आप मेरे पीछे देख सकते हैं दोनों तरफ दुकानें लगी हुई हैं। और ये जो मंदिर है मेन गाँव के बीच में है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। और अब हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं, कुछ ही दूर पर आने वाला है, तो चलिए अब बैक कैमरे से बताता हूँ। जैसे हम मंदिर के सामने आ चुके हैं, देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है श्री सावला जी का मंदिर ऊपर है, ये रहा, ये सावला जी का मंदिर ही है। और अब हम लोग यहाँ से जाएंगे, देखिए सावला जी का मंदिर का रास्ता। ये देखिए दोस्तों गांव का छोटा सा चौराहा है ये, हम आए थे
इस तरफ से यहाँ से होते हुए इधर, और अभी मैं खड़ा हूँ सांवरा जी के प्राचीन मंदिर के जस्ट सामने। तो ये है मंदिर का एंट्री गेट, ये देख सकते हैं कितना पुराना है। और ये है मंदिर, ये देख लीजिए ये मंदिर है, और अब मंदिर के अंदर हम एंटर करते हैं। तो ये इस टाइप की सीढ़ियाँ हैं, बबलू भैया अंदर पहले ही जा चुके हैं, ये देख सकते हैं अंदर एंटर करते ही सांवरा जी के हमको सीधे दर्शन होते हैं। मंदिर एंटर करते ही कुछ इस तरह से है, अंदर से ऐसा है मंदिर, ये देख लीजिए चारों तरफ। इस तरफ जाएंगे तो थोड़ी खुली जगह है, यहाँ पर ये देख सकते हैं श्रीराम दरबार की यहाँ पेंटिंग की गई है, और इस तरफ हनुमान जी की पेंटिंग की गई है जिस पर हनुमान चालीसा लिखी हुई है और हनुमान जी की आरती लिखी हुई है। तो चलिए अब आप लोगों को दर्शन करवाता हूँ मैं सांवरा सेठ जी का तीसरा मंदिर और तीसरी मूर्ति का। दोस्तों ये रही सांवरा जी की तीसरी प्रतिमा और तीसरा मंदिर, काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये, जिसके बारे में आपको मैंने प्राकट्य स्थल पर बताया था। तो दर्शन कीजिए सांवरा जी के, ये देख लीजिए। और इस मंदिर में भी कांच के छोटे छोटे टुकड़ों से नक्काशी की गई है, काफ़ी बढ़िया बनाया गया है मंदिर, ये देखिए। और सांवरा जी के तीनों ही मंदिर पर आपको चांदी की पट्टी दिखाई देगी। इधर हम सांवरा जी की परिक्रमा लगाएंगे, यह परिक्रमा। जय हो सांवरिया श्रीठ की जय। ये देख सकते हैं इस तरफ बजरंगबली का मंदिर है, ये देख सकते हैं कितनी सुंदर प्रतिमा है बालाजी की। जय हो बालाजी महाराज की जय। आप लोगों से हमेशा की तरह मेरी आज भी एक रिक्वेस्ट है, कमेंट के अंदर अपने अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग हमें कहां कहां से देख रहे हैं। और अगर आप इंडिया के बाहर से भी देख रहे हैं तो अपने अपने देश का नाम जरूर लिखें ताकि हमें पता चल सके कि इंडिया के बाहर भी लोग हमें देखते हैं और हमारी हिम्मत उससे बढ़ेगी, ताकि और हमें मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने की कोशिश करें। और दोस्तों बस अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, क्योंकि बहुत जल्द हमारी फैमिली 50,000 की होने वाली है, अभी 46,046 के हो चुके हैं। तो जल्द से जल्द सपोर्ट करो यार, क्या करो, प्लीज़ सपोर्ट करो। लेकिन हाँ, अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो ही आप सब्सक्राइब करना, रिक्वेस्ट है मेरी, ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं है। और सब्सक्राइब तो कोई पैसे नहीं लगता है, फ्री है, बताओ वो भी बैन को पैसे लगता है, कोई पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर दो जिससे आपको नोटिफिकेशन सारे वीडियोज़ के मिल जाएंगे, कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। तो चलिए आगे जानकारी बताते हैं हम आपको। तो बबलू भैया कैसा लगा मंदिर, बताओ? मंदिर बहुत अच्छा है, मैं आज खुद पहली बार आया हूँ यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा, शांति मिली यहाँ के, और मंदिर भी काफ़ी खूबसूरत है। सांवरिया जी के यहाँ पे अच्छे से दर्शन हो गए हैं, सबसे बड़ी बात यह है। और यहाँ पर कोई धक्का मुक्की नहीं है, काफ़ी आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ, पहली बार मेरे बेटे के भाग्य से, और दूसरी बार आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि जब मुझे पता चला और जो बात मैंने आपसे कही थी कि यहाँ के लोकल लोगों को भी नहीं पता, तो बबलू भाई प्रॉपर चित्तौड़ के लोकल ही हैं, क्या आपको पता था ये मंदिर? नहीं, मुझे पता नहीं था इस बारे में, मुझे भी भैया ने बताया। फिर दोस्तों चलो, मैं तो बाहर रहता हूँ, लेकिन मैंने इस मंदिर के बारे में, और आज से नहीं कम से कम मैं 4-5 साल से सबसे पूछता था कि सांवरा जी की तीसरी मूर्ति कहाँ है, तीसरा मंदिर कहाँ है, लेकिन लोकल किसी को नहीं पता था। और पिछली बार जब मैं आया अपने बेटे को यहाँ धोख दिलवाने के लिए, तो उस दौरान रास्ते में मुझे बोर्ड दिखा था, जो मैंने आपको वीडियो में आपको बताया था, वो बोर्ड मुझे दिखाई दिया, तब मेरे दिमाग लगा हो सकता है पास में हूँ। फिर मैंने आसपास के लोगों से पूछा, उन्होंने बताया कि जस्ट पास में है, तब मैंने दर्शन किया था सांवरा जी के, तभी मैंने सोच लिया था कि अब आप लोगों को भी दर्शन करवाऊंगा, क्योंकि जितने भी लोग दूर से आते हैं सिर्फ सांवरा जी के दो ही मंदिरों को दर्शन कर पाते हैं, एक तो मंडफिया के, दूसरे भातसोड़ा के जो चौराहे पर है हाईवे किनारे प्रकट स्थल, उन मंदिर के दर्शन कर पाते हैं। लेकिन तीसरे मंदिर के आज आपको दर्शन करवा दिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मंदिर
के दर्शन बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सामराज जी का तीसरा जो मंदिर है सभी लोगों को पता चल सके कहाँ पर है, सभी लोग दर्शन कर सके सामराज जी के। दोस्तों अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज पर फॉलो करना ना भूलें क्योंकि हमारे जो वीडियो है यूट्यूब पर भी आते हैं और फेसबुक पेज पर भी आते हैं। तो दोस्तों पेज को फॉलो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सांवरिया सेठ की जय।